कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम आज की करंट के साथ पुनः उपस्थित हैं, साथ साथ उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी लेकर आए हैं। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है, भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास श्रृंखला का क्या नाम है? तो भारत और ओमान जो देश है उसके बीच जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास श्रृंखला है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भाई अल नगाहा तृतीय इस सैन्य अभ्यास का नाम है। अब बात आई है ओमान की, तो ओमान के जो प्रधानमंत्री वो कौन है? भाई प्रधानमंत्री का पद जो वहाँ सुल्तान का होता है, और सुल्तान है वहाँ काबूस बिन अल सैद। तो वहाँ पर जो सुल्तान है फिलहाल वर्तमान में काबूस बिन अल सैद वहाँ के सुल्तान है। साथ साथ राजधानी की अगर बात करें तो मस्कट वहाँ की राजधानी है, और राजभाषा अरबी है। साथ साथ मुद्रा जो है यहाँ की ओमान की वो है भैया रियाल। अच्छा ये है, देखिए बात करें कि ये है आपका अलनगहा तृतीय, इसका मतलब अलनगहा प्रथम और अलनगहा सेकंड भी हो चुका है, अलनगहा फर्स्ट और सेकंड हो चुका है। तो कहाँ कहाँ और कब हुआ? तो पहली बात तो जो जो तृतीय है ये होगा हमारा 12 मार्च से 25 मार्च के बीच ओमान में होगा ये वाला अभ्यास। कौन सा? तृतीय वाला। तृतीय वाला अभ्यास कब होगा? 12 मार्च से 25 मार्च के बीच में होगा। और अलनगहा फर्स्ट, जो अलनगहा फर्स्ट है वो जनवरी 2015 में ओमान के मस्कट में हुआ था, और मस्कट जो है वहाँ की क्या थी भैया? राजधानी थी। और जो अलनगहा सेकंड है ये हुआ था भारत में, और कब हुआ था? मार्च 2017 में हिमाचल प्रदेश में हुआ था। हिमाचल जो है प्रदेश जो है वो भारत का राज्य है, तो वहाँ पर हुआ था ये अलनगहा द्वितीय। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत का वह स्थान जहाँ हल्दी को जीआई टैग हासिल हुआ है। जीआई टैग कौन सा स्थान है जिसे जो है जीआई टैग मिला है वो हल्दी के लिए? यह स्थान है ईरोड, और ईरोड जो पड़ता है भैया वो तमिलनाडु में पड़ता है। टैग का जो पूरा नाम है वो है भैया ग्राफिकल इंडिकेशन। भारत में पूंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को 15 सितंबर 2003 को लागू किया गया था, जिसके द्वारा जीआई टैग को लागू किया गया था। तो इसके लिए जो अधिनियम बना था वो उसका नाम था पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, और जिसे लागू किया गया था 15 सितंबर 2003 को। अब इसी से संबंधित और खबर देख लेते हैं। जीआई टैग के प्राप्ति का मायने क्या है? उत्पादों का कानूनी देखिए भाई जीआई टैग प्राप्ति के मायने क्या है? तो इसका मायने है उत्पादों का कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाता है उस चीज़ को जिसको जीआई टैग मिल जाता है। गुणवत्ता पूर्ण उत्पाद सुनिश्चित करने में सहायक है, गुणवत्ता भी बनानी पड़ती है गवर्नमेंट को उसकी, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होती है। मतलब जो हमारे यहाँ का उत्पाद है उसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में जो है वृद्धि भी होगी, और जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के अनाधिकृत उपयोग पर रोक भी लग जाती है। तो जीआई टैग मिलने के ये सारे हमारे फायदे हैं। फिर बढ़े भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा केरल के दक्षिण घाट में किस जीव की नई प्रजाति की खोज की गई है? मतलब मेंढक की नई प्रजाति की खोज की गई है, और वो है भैया केरल में। कहाँ पर की गई है? केरल में। अब केरल की अगर राजधानी की बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और इनके जो है वर्तमान मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन जो है केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री है। अच्छा केरल का उपनाम भी है, केरल का उपनाम क्या है? लैंड ऑफ कोकोनट्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है नारियल जो है काफ़ी मात्रा में उत्पादित होता है। साथ साथ यहाँ पर जो है मसालों की राजधानी भी केरल को कहा जाता है। किसकी? मसालों की राजधानी भी केरल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मसाले काफ़ी पैदा होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा, किस देश ने हाल ही में स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में ब्लैक होल आइकन जारी किया है? तो ये देश है भैया ब्रिटेन, ब्रिटेन ने जारी किया है। ब्रिटेन की राजधानी की बात करें तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, लेकिन जैसे ब्रिटेन है तो ब्रिटेन को हम मोस्टली यूके भी कह देते हैं। यूके मतलब ये ब्रिटेन या यूके कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। साथ साथ अगर यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके की बात करें तो यूके केवल एक देश नहीं है, इंग्लैंड। इंग्लैंड उसके साथ अन्य देश भी हैं, जैसे इंग्लैंड का एक और नाम है भाई, इंग्लैंड भी है, ब्रिटेन भी है,
तो दोनों नाम जो है वो इंग्लैंड के या ब्रिटेन के दोनों नाम ही हैं, और साथ साथ यूके में इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है और वेल्स, ये सारे हैं, ठीक है। सभी का समूह मिलकर होता है यूनाइटेड किंगडम, जो यूरोप में पड़ता है। और यहाँ के ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो थेरेसा मेरी में है, और ये कंजर्वेटिव पार्टी की महिला प्रधानमंत्री हैं थेरेसा मेरी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने किस देश के साथ 6 परमाणु बिजली संयंत्र लगाने का फैसला किया है? कितने? 6, और देश कौन सा है भैया? अमेरिका। अच्छा, अमेरिका के तो बिल्कुल राष्ट्रपति जो हैं हमेशा चर्चा में रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति हैं, और अमेरिका की राजधानी आप सभी को पता है वाशिंगटन DC वहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, यह है क्वेश्चन नंबर आज का, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी 200वीं वनडे पारी में संयुक्त रूप से सबसे तेज 8,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? देखिए, संयुक्त रूप से बनाया है, इसका मतलब तीसरे स्थान पर अकेले रोहित शर्मा नहीं है, तीसरे स्थान पर रोहित शर्मा नहीं तो उनके साथ कौन है? सौरभ गांगुली। और ये देखिए, 200 पारी में सौरभ गांगुली ने भी 8,000 रन बनाए, और 200 पारी में यही मुकाम किसने हासिल कर लिया? रोहित शर्मा ने। तो तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से कौन कौन है? रोहित शर्मा और सौरभ गांगुली जो है तीसरे स्थान पर। लेकिन पहले स्थान पर विराट कोहली है, 175 पारियों में इन्होंने 8,000 रन बनाए। वहीं दूसरे स्थान की अगर बात करी जाए तो जो दूसरे स्थान पर हैं वो हैं AB डिविलियर्स, 182 पारी में इन्होंने भी 8,000 रन बना दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 7, सातवां क्वेश्चन क्या है, HDFC बैंक 13 मार्च 2019 को कितने रुपए के साथ तीसरी बड़ी जो है भारतीय कंपनी बन गई है, और ये है भाई 6 लाख करोड़ रुपए के साथ HDFC जो है तीसरी कंपनी बन गई है। HDFC का अगर पूरे नाम की बात करें, फुल फॉर्म की बात करें HDFC की, तो ये हो जाएगा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। साथ साथ स्थापना की बात करें तो अगस्त 1994 में स्थापना हुई, और कहाँ पर हुई? मुंबई में हुई। और CEO इनके प्रमुख की बात करें तो आदित्य पुरी इनके प्रमुख हैं, जो काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यह हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वह कौन सा देश है जिसमें वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए कई बिल पास किए हैं, जिनमें प्रदूषण को सामाजिक आपदा के तौर पर स्वीकार किया गया है? मतलब प्रदूषण अब एक सामाजिक आपदा घोषित कर दी गई है, कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में अब प्रदूषण सामाजिक आपदा घोषित कर दी गई है। अब दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात करें तो सियोल यहाँ की राजधानी है, प्रधानमंत्री यहाँ के वर्तमान ली नाक यान है, और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो दक्षिण कोरियाई वान यहाँ की मुद्रा है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन और उनसे संबंधित जानकारियाँ थी, अभी आप इनका लाभ उठाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।